परसों लोगों को ये पता ना कि चुनाव है कब। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं विपक्ष, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोग जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक इसलिए नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होने, तो पूछ लो इन लोगों से कौन कौन कैंडिडेट है। क्या पता बुढ़वा कैसा रहेगा? मतलब आपके बीच कोई कैंडिडेट नहीं आया अभी तक? बताओ कौन है? नहीं, कैंडिडेट नहीं आया कोई। किस चीज का काम है आपका? खेती करते हैं। और गांव? पुरनपुर। अच्छा, और कोई आया है यहाँ पे प्रचार के लिए चुनाव के? साइकिल वाले आए हैं। आप लोग वोट डालेंगे? नहीं, नेता आना ना आना अलग बात है, लेकिन वोटर का एक मन होता है कि मुझे वोट उसे देना है या किस कैंडिडेट को वोट देना है। क्या हो गया? थोड़ा राय तो होती है। गठबंधन? हाँ, कौन सा गठबंधन? ये भाजपा और आरएलडी का जो है ना। अच्छा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी और आरएलडी की पार्टी जुड़ी है, इस वजह से? तो आप आरएलडी के वोटर हैं? हम पहले बीजेपी के थे, अब आरएलडी क्योंकि जब दोनों का ज्वाइन हो गया तो यही है। अब तैयार कफन मेरा, हम तो चले हैं रण में, हो जाता यार, हम तो चले हैं रण में, हो जाता यार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। पूरे परिवार के साथ है, बैठ उठ कर खाना पीना किया, सब काम किया। बहन जी के साथ? परिवार के साथ। पढ़ने में बहुत आए फायदे है हमारी हाई स्कूल में। हाँ, लेफ्ट हाई स्कूल में तीन सब्जेक्ट में डिस्टेंशन है, लेकिन उसके बाद कुछ मन ऐसा भटका कि हम पढ़ाई को छोड़ के उस ध्येय पर लग गए, उस टारगेट पर लग गए कि जो हमारे मन में उजागर हुआ, लेकिन वो असफल हुआ। अब परिवर्तन तो समय के अनुसार होता है, जैसे हमने पैदल चलकर काम किया है या साइकिल से किया है, लेकिन मॉडर्न जमाना है, अब तो कोई आदमी पैदल चलना पसंद नहीं करता, ना साइकिल से चलना पसंद करता। इसलिए चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ये नहीं सोचता मैं पैदल जा कर काम करूं या मैं साइकिल से करूं। पहले महंगाई कम थी, रोजगार थे, अपना आदमी जो टाइम मिलता था काम करते थे। आपका घर कैसे चलता है? हमारा घर तो ऐसा चलता है कि थोड़ी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में काम करते हैं, वक्त मिलता है तो अपनी मजदूरी भी कर लेते हैं। सदुपुरा और पुरनपुर गांव, ये दोनों गांव ही आपस में लगे हुए से हैं, जुड़े हुए से हैं। एक मुसलमान पॉपुलेशन है एक गांव में और दूसरे गांव में जो है जाट समुदाय ज्यादा है। मेरठ जिले में पड़ते हैं मीरापुर और हस्तिनापुर, बिजनौर और चांदपुर पड़ती है बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इन्हीं सब के बारे में हम आज जानने आए हैं कि आज इस वक्त जो वोटर्स हैं वो क्या देख रहे हैं। इस लोकसभा में बीजेपी लोकदल गठबंधन से 2009 में संजय चौहान जी बने, भाजपा लोकदल गठबंधन से। गठबंधन में सांसद बनते ही उन्होंने गठबंधन को ठोकर मार दी और कांग्रेस के साथ चले गए। सहारनपुर से ये जो 8 सीट पर हो रहा इलेक्शन, सारा ज्यादातर बीएसपी का इलेक्शन मुस्लिम पे डिपेंड है, वो समाजवादी का। बिजनौर में तो जाट कैंडिडेट है बसपा का, मुस्लिम नहीं है। हाँ, तो यहाँ इसलिए तो फाइट में है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि समाज जो चट्टान की तरह बसपा के साथ है और बहन मायावती जी के साथ है, और जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बहन जी जो हैं वो उन्हीं के साथ जाएंगी जो भाजपा को हराने वाली दल है।
चाहे वो जाट वोटर्स हो चाहे वो मुसलमान वोटर्स हो। बिजनौर में हम आपको बता दें कि जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो मुसलमान आबादी है, मुसलमान बहुल क्षेत्र है ये, और नगीना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवारी भरी है उन्होंने। और पहले उनके इतिहास के बारे में अगर लोग जानते हैं तो वो बसपा के साथ ही थे, लेकिन मायावती जी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आज़ाद समाज पार्टी, और इसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनौर जो क्षेत्र है वो मायावती का क्षेत्र है, वो चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम वोटर्स क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस वक्त हम देखने जा रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ। उनके ऊपर एक शिकंजा कस रखा है, उन्हें एक डर और खौफ दिखा रखा है कि अगर हमारी मदद नहीं करोगी तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, सीबीआई के छापे डलवा लेंगे, तुम्हारे घर को सील कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। आज इसी डर में बहन जी बार बार बीजेपी की मदद कर रही है, और उस बीजेपी की मदद कर रही जो बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहते हैं। दलित समाज जागरूक समाज है, वोट की कीमत जानता है, उसे अच्छी तरह पता है कि आज हमारा हित कहाँ और कहाँ नहीं है। बिजनौर की सीट है। अब ये बहन जी का टिकट ऐसा है ना, क्योंकि कुछ जाट समझ में आता है तो पिछड़ों में आता है। अब जैसे ये समाजवादी का टिकट है, रामउतार सैनी जी का टिकट है, सैनी है, तो ये भाजपा का ही वोट कम होगा। अगर गुज्जर समुदाय ने कभी जाट को वोट नहीं किया है तो जाट से एक बात बताओ मैम, जाट समुदाय दूसरे के बाप को कब तक बाप कहता रहेगा? नरेगा में आपका नाम है? हाँ। अभी मिलती है काम? हाँ, काम नरेगा में जाऊँ तो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा। अभी जो पहली प्रधानी में 5 साल की जो पहले प्रधानी थी ना, उसमें लोगों की मजदूरी किसी की नहीं मिली, किसी की मजदूरी एक नहीं मिली, जो कि 2 पार्टी खा गई, जो मुंशी था उसने खा ली और जो लोग प्रधान थे उन्होंने खा लिया, 2 पार्टियों ने मिलकर पैसा खा लिया, किसी को कोई भाग नहीं। बसपा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें शमशु रायन थे, उन्होंने 300 करोड़ रुपए 50 सीटों पे उन्होंने मांगे थे। उनका कहना यह था कि बीजेपी कैंडिडेट्स आप अपने उतारें, हमारे झंडे से या हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारी पार्टी से। तो अब बाद में उनका ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो फेल हो गया। हम जब प्रोटेन था हमने कुछ करा तो था नहीं, खाली डंडे थी उस पर लिखा हुआ था CA 9 NRC और CA, यही सब था। उसके बावजूद पुलिस ने हमें ये कर दिया था कि हमला करा, हमारे ऊपर पथराव करा, ऐसा कुछ करा नहीं था। तो सोचते अगर हम ये सब करते तो हमारे साथ क्या होता, तकलीफ़ में नशे भी लोग हैं तो वो तो डॉक्टर ने कहा देता ऊपर वाले का हाथ में है, जब भी खुल जाए। जो नशे बंद है अभी तक वो बंदी है, वो नहीं खुल पाई क्योंकि मानने के बाद भी पुलिस वाले ने इलाज नहीं दिया, ऐसी डाल रखा था उन्होंने वन साइड, 12 घंटे के बाद हाथ से निकाला था। ये समझ लीजिए 28 दिन मेरे बिल्कुल ऐसी एक पलंग के ऊपर मुस्तकिल सीधा पड़े पड़े गुजरे हैं। बस यही क्या हुआ है, इतना मतलब इतना हमने इतना बड़ा जुल्म नहीं करा, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं करा, खाली एक प्रोटेस्ट में निकले थे, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा की उम्मीद नहीं थी हमें, ना हमारा कोई इतना बड़ा गुनाह था। दफ़ा 144 लगी थी उसका उल्लंघन किया था हमने, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमने ना हमने कुछ तोड़फोड़ करी, बहुत शांति से बहुत आराम से हम गए थे, ना हमारे हाथ में कुछ इतना से भी मतलब डंडे तक नहीं थे, आराम से हम नमाज पढ़ पढ़ गए थे निकल गए थे, जितने भी लड़के थे कुछ नहीं था, लेकिन मारा इतना गया था बहुत ज़्यादा। जब मैं बिस्तर पर पड़ा, ये 28 दिन बस यही जहन में रहता था इनके, क्या कर दिया, पैर बेकार कर दिया, ऊपर से हिला हिल नहीं सकता था, इधर को नहीं उधर को नहीं, बस आंसू आ रहते थे आँखों में, जब वो दिन गुजरे बहुत बुरा। आज पत्रकारिता में जहाँ चुनाव के मुद्दों के बजाय चुनाव के अनुमान लगाने को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहाँ एक चीज़ तो साफ तौर से सामने आई कि आज भी भारत की राजनीति जात पात मजहब के आगे नहीं बढ़ पाई है। उत्तर प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनाया, शांतिपूर्ण प्रदेश बनाया। उत्तर योगी जी ने यह कहा था, दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त शासन। बस मैं गई थी उनके घर तो उनके तो पैर खराब हो गए, अब वो टेलर का काम करते थे और पुलिस ने पीटा है उनको गलत। ऐसा तो कोई संज्ञान आया नहीं। मैं 2014 में भारतीय जो चुनाव लड़े थे सांसद का, उनका चीफ रेजिडेंट था, 2019 में उनका चीफ रेजिडेंट था। गठबंधन यो था, चूंकि लोक दल का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लोक दल जाट और मुसलमान इकट्ठे हो गए समाजवादी पार्टी,
आ गई मुख्य लड़ाई में, अब ये अलग हो गए लोकदल वाले, तो समाजवादी पार्टी में तो कुछ रहा ही नहीं। हमारी लड़ाई जो होती थी भाजपा की, वो लोकदल वालों से रोती थी होती थी, लोकदल हमारे साथ हो गए, तो एक रे 11 हो गए। भाजपा का जो कैडर है वो सबसे मजबूत, भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, भाजपा के सेक्टर प्रभारी बने हुए हैं, सेक्टर संयोजक बन रहे हैं, पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, भाजपा की कोई संगठन में काट कर ही नहीं सकता। भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार भाई चंदन चौहान का चुनाव निशान है रसूल की पृथ्वी उस पादमपुर जिला बिजनौर। क्या काम करते हैं आप? स्वदेशी रक्षक चिकित्सालय, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं हर बीमारी का। स्वदेशी मतलब? अपने इसी देश का है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आपको लगता है इस पर और काम बाकी है अभी? हाँ, बहुत काम बाकी है। आरक्षण भी जो है ना अभी यह है मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी की सरकार जो आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। समय बीतते बीतते आया, जब चुनाव का समय आ गया तो भाई ने कहा कि मैं अकेले केवल एक सीट पर चुनाव लड़ूंगा, वो भी नगीना से, और वो भी अपने सिंबल पर लड़ना चाहूंगा। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इनको धोखा देते हुए कहा कि हम आपको अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैं आपके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से केतली के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं दे सकता। तो भाई ने कहा कि आप नहीं दे सकते तो नहीं दें, लेकिन हम अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, और हम अकेले मैदान में जाएंगे। हमारा तो मकसद था बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना, ताकि हम एलायंस का पार्ट बन करके बीजेपी को जो है इस सत्ता से बेदखल कर सकें। त्यागी समाज ने भी, उनके बड़े नेताओं ने, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। प्लस शेड्यूल कास्ट जिसमें हम जन्मे हैं वो लामबंद होके खड़ा है। हमारे लामबंद कहते हैं वो, जब साधारण भाषा में कहते हैं लौटता नमक, जब वो एकजुट हो जाता है हर कीमत पे, कोई भी कीमत चुकाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ, तो वो इस तरह से हमारे साथ है, क्योंकि 11 साल में हमने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। समाज भी बहुत भारी तादाद में आपके साथ इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, वो भी हमसे प्यार करते हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होंगे, वो भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहुत दिनों के उनको लोगों को हराते 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 हम वो जीतना चाहते हैं। अब जुड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो? मैं तो हमेशा से भाजपा के पक्ष में रहा। चंद्रशेखर क्यों पसंद आ रहा है लोगों को? बढ़िया आदमी। क्यों? हर तरीके में बोल चाल काम बढ़िया, तत्परता प्रबल है। वोट यहाँ डालोगे तो यहाँ चंद्रशेखर का क्या निशान है? मायावती को दे देंगे। हैं? मायावती को दे देंगे। हाँ, चंद्रशेखर का क्या निशान है? मायावती ने भी कोई काम नहीं। नहीं सुनो, चंद्रशेखर का क्या निशान है? आप इधर उधर मत देखो, अब जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी तरफ देखो। अरे मैं तुम्हारी तरफ देख रहा, मेरा कहीं एक जरा जरूरी काम हो, किसी की भी सरकार आ जाओ, ये भी चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या खाने को दे देना 5 किलो राशन? खाने को मत दो, आप अपने घर रखो। आप मायावती की बात कर रहे हो? मायावती ने इतनी नौकरियां दी, सफाई कर्मी रखे, इतना काम किया, आप ना मायावती तो आपको अकेले को नहीं देगी मायावती? अकेले को नहीं कर रहा मैं, नहीं समाज, आपने समाज को तो देवो, मुझे मत दो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो ये राशन मिल जाए मेरे घर, तो चाहे और ये आदमी भी ले जाए, मतलब होने जा रहे। मेरी बात तो सुनो। हाँ। ये तो नौकरी से निकालती रहती, ये पुलिस की नौकरी मतलब मोदी ने ही निकाल दिया। नहीं, कहाँ निकाल रहा है? अभी अभी मेरे बच्चे ने एक पेपर भरा था, वो पेपर लीक हो गया, तो 1500 रुपए लगा कर बेकार ही रहे। अभी एक मेरा सलाद पड़ गया था, ठीक है, अभी रेलवे में गया हूँ, बिना 1 रुपए की नस्बत नहीं किसी चीज की, बिना निष्पक्ष मान गया। तो फिर तुम कहते बच्चा काबिल होगा तो जरूर, मैं मान गया। मेरी बच्ची जी गई है, जहाँ तुम बात कर रहे हो SSC स्टाफ सिलेक्शन ऑफ बोर्ड होता है, उससे टेस्ट पास करके गए हैं, उसमें रिश्वत का काम नहीं होता। FCI में है मेरी भतीजी की, पढ़ के गया, पढ़ने में मेरी भतीजी तेज थी, SSC का जो टेस्ट पास करा उसने, डायरेक्ट पोस्ट मिली FCI की। लेकिन लेकिन आज परेशानियां हैं कुछ, आप बता सकते हैं? आज गांव देहात में मोदी जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है और जो है मतलब लाभ मिला है, योजनाओं का लाभ, तो कुछ बता सकते हैं इस गांव तक योजनाएं पहुंची है? हाँ, गांव में योजना है जो मतलब जो आ रही है, क्या आई है, लाभ क्या हुआ है, बता सकते हैं गांव को? लाभ यही है अपना, क्या नाम, प्रधान लोग ही करवाओगे, ये तो क्या नाम मोदी क्या करवाओगे भाई, मोदी घर घर थोड़ा ही घूम रहा,
मगर कोई काम देखो मैं बताऊं बात, सरकार किसी की भी आ जाओ हमारे लायक तो हम तो खा बोलिए। मायावती की आ जाओ तो, चंद्रशेखर की आ जाओ तो, किसी जिसकी भी आएगी हम तो नहीं। हरिजन तुम क्यों? वो हरिजन नहीं है, हरिजन वो हरिजन नहीं है। कौन? हाँ वही वही कौन? वही जाट। जाट क्यों हरिजन है? क्यों? जाट तो जाट ही है। अरे भगवान का जना वो नहीं है, वो भगवान का तो सभी है। रवि जाजी का सुनो मेरी बात, रुको। एक रवि जाजी का दोहा सुनाता तुम, रवि जाजी का, तुम भी चाम के हम भी चाम के, चाम के चाम से जगत पसारा, हे राजन तुम हमें बता दो कौन चाम से न्यारा। तो हमसे जो है हैं, हम चमार हैं, चमारी कहेंगे। क्यों हरिजन कह रहे हो? क्यों ना नीति कर ली तुमने हमसे? नहीं मतलब हम तो चमार हैं, चमार कहेंगे। संविधान बचाने से इसमें जो है ये दबे कुचलों का जो है ना इनका उभार होएगा। ये संविधान को बदलना चाह रहे हैं, मनुवाद संविधान लाना चाह रहे हैं ये लोग। इसमें दशा खराब हो जाएगी सबकी, गरीब बुरी होगी। बोलने को क्या बोलना है तो पूछना है। बोल इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में पूछ रही, क्या के बारे में पूछ रही मैडम? किसको वोट डालेंगे? वोट तो हम सबको देंगे आपको, फिलहाल जो हमें रोजगार देगा उसे देंगे वोट। फूल पर वोट देंगे। अच्छा हाँ जी, क्यों? बढ़िया उनका कारनामे सारे। आप सब लोग? हाँ सब लोग। अच्छा बढ़िया, मोदी जी से खुश है? अच्छा क्या क्या मतलब खुशी है, किस बात की खुशी है? काम बढ़िया, आपका काम बढ़िया चल रहा है, पहले से बेहतर है। मुसलमान जो है वो अपनी तकलीफों के बारे में जहां बयां कर रहा है, वहीं जाट समुदाय जो है वो एक तरीके से कह रहा है कि इस बार जो है वो आरएलडी को वोट जाता था वो अब भाजपा को भी जाएगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार जो है आरएलडी का भाजपा के साथ जुड़ने से क्या जाट समुदाय जो है एक तरीके से भाजपा के साथ चला जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन का जहाँ पे एक महत्व रहा है और जाट समुदाय का जो रोल रहा है इस आंदोलन को लेकर भी, तो ये एक तरीके से एक अलग समीकरण दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के आगे के आने वाले राजनीति में, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। वहीं पर मायावती जी ने जो है अपना कैंडिडेट जाट उतारा है और इस बार जो है वो अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है देश की राजनीति को। लेकिन समझना अभी भी मुश्किल है कि क्या मायावती जो है इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगी अगर वो अपने पार्टी के साथ एक अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। तो आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ, देश दुनिया की सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी चुनाव के दौरान जहां पे भी हम हैं वहां से खबरें तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।